मैं योगाचार्य उज्जवल चमोली आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ इस चैनल के माध्यम से उठा रहे होंगे और लोगों तक भी इसे पहुंचाने में मदद कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां, बहुत सारे छोटे छोटे आसन आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं या उनमें कोई इश्यू आ जाते हैं तो हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम पहले से इसको सही करने के लिए जो भी कदम है पहले से उठाएं या कुछ प्रिपरेशन होती है उसका अगर ढंग से निर्वाह करें तो बहुत हद तक हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और लंबे समय तक हमें इनमें कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ छोटे छोटे बिंदु आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप उस बिंदु पे अमल करेंगे तो आपकी हड्डी भी लंबे समय तक सही रहेगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है आपका कि हड्डियां कमजोर क्यों होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो 30 प्लस एज वाले लोगों को ये समस्या ज्यादा आने लग जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस हिसाब से उनकी दिनचर्या होती है, जिस हिसाब से वो खाते हैं, जिस हिसाब से वो सोते हैं, जिस हिसाब से वो जो भी एक्टिविटी करते हैं नहीं करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किसी के नीज पेन हो जाती है, किसी के कमर दर्द रहती है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी के शोल्डर में, तरह तरह की बीमारियां आने लग जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जिस पे आप अगर विचार करेंगे तो आपको ये सारी समस्या नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पोषक तत्वों की कमी होना। अक्सर आप देखते होंगे जिन लोगों के पोषक तत्वों की कमी रहती है शरीर में उनकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं किसी को घुटनों में दर्द, किसी को पैरों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी ना किसी प्रकार का दर्द हमेशा बना रहता है। तो आप ऐसी चीजों का सेवन करें जिनसे आपके पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिससे हमें ये हड्डियों में दर्द वगैरह कोई शिकायत नहीं आएगी। दूसरा बिंदु है हमारा कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। तो अक्सर हम देख रहे हैं आजकल समय के साथ साथ लोग बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें आपका कोल्ड ड्रिंक आता है या अल्कोहल जैसी मात्रा का सेवन करते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग जाती है, जिस वजह से हमारी जो बोन्स है वो कमजोर होने लग जाती है। तो कृपया इसका सेवन करने से बचें। तीसरा पॉइंट है हमारा कैफीन। इसके अंतर्गत हमारी चाय, कॉफी, जितनी भी सारी चीजें आती है जो हमारे जो हड्डियों हैं उनको कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट डालती है, तो इसका भी सेवन करने से बचना चाहिए। इसमें हमारा चौथा बिंदु है शराब। तो जो लोग शराब का निरंतर सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारे हार्मोन्स पे सीधा ट्रिगर करती है, जिस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है और हमें धीरे धीरे उसमें समस्या आने लग जाती है। तो अभी कम से कम सेवन करें। पांचवा पॉइंट है हमारा हाई सोडियम वाले फास्ट फूड, जिसके अंदर हमारे आलू चिप्स हो गए, पिज्जा हो गया, ठीक है, और ये जितने भी फास्ट फूड आते हैं वो सारे हमारी जो हड्डियां हैं उनको गलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनका भी सेवन करने से बचें ताकि आपकी हड्डियां सुरक्षित रहें। अगला हमारा छठा पॉइंट है प्रोसेस फूड। तो प्रोसेस फूड में आपका आता है चिकन, मटन, मच्छी, अंडे वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से वो शरीर में जमने लग जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर पड़ने लगती हैं। तो इसका सेवन करने से भी हमें बचना चाहिए। सातवां बिंदु है हमारा दवाइयां। जो लोग बार बार दवाइयों का सेवन करते हैं, किसी भी खांसी जुकाम में भी बार बार दवाइयों का सेवन करते हैं, या जिन लोगों की लंबे समय से दवाइयां चल रही है
उनकी भी धीरे धीरे हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, जिस वजह से उनको उठने बैठने चलने फिरने हर चीज में समस्या आने लगती है। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है आप कम से कम दवाइयों का सेवन करें। अंतिम पॉइंट है हमारा धूम्रपान। तो जो लोग बराबर धूम्रपान का सेवन करते हैं या लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं हड्डियों में दिक्कत आने लग जाती है और उन्हें तरह तरह की बीमारियां हड्डियों से रिलेटेड लगने लग जाती है, तो इसका सेवन करने से भी बचना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपको इतने सारे बिंदु बताए, इसका मुख्य रीजन यही है कि आप पहले से इन बिंदुओं पर ध्यान दें ताकि आपकी हड्डियों में कोई भी शिकायत ना आए और अब आप लोग स्वस्थ बने रहें।